हेलो फ्रेंड, आज हम सॉलिड वर्क में जो स्केच है उसमें जो नेक्स्ट कमांड है वो देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ कमांड यहाँ पे सीखे थे, आज नए कमांड सीखने वाले हैं जो स्प्लाइन और इलिप्स एंड फिलेट, ओके, और चैम्पर। फर्स्ट हम स्प्लाइन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने स्प्लाइन कमांड जो है नॉर्मल स्प्लाइन वो ले लिया है, और यहाँ पर मैंने एक फ्री हैंड एक स्प्लाइन जो कर्व है, कर्व पाथ है, वो यहाँ पे ड्रॉ किया है। अगर हमें इसे एडिट करना है तो सिर्फ उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, मैंने डबल क्लिक, और आपको जिस इस टाइप का एरो टाइप का कुछ शेप दिखेगा, वो एरो को हमें एडजस्ट करना है, मतलब उसे मूव करना है। उसे मूव करेंगे तो आपको देखेगा जो अपना कर्व है वो, उसका शेप है वो चेंज हो रहा है, ओके। इस टाइप से आपको किधर भी कौन सा भी कर्व शेप चाहिए तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे कुछ उसके रिलेशन भी साइड में दिए हैं, उसमें कुछ हमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी है, ज़्यादा ये इधर यूज़ नहीं होता है, ओके। स्प्लाइन ज़्यादा से ज़्यादा हमें आर्क ही यूज़ करना पड़ता है, ओके। तो नेक्स्ट, अभी स्प्लाइन में नेक्स्ट टाइप है, वहाँ पे सॉलिड वर्क में थ्री टाइप्स के स्प्लाइन दिए हैं। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट टाइप का स्प्लाइन देख रहे हैं। यहाँ पे स्टाइल स्प्लाइन एक दिया है। स्टाइल स्प्लाइन क्या है? सेम इसी टाइप का स्प्लाइन है, ओनली उसका जो जो पॉइंट है, जो यहाँ पे एरो दिख रहे थे उससे वो एडिट हो रहा था, तो वैसे इसके जो सेंटर पॉइंट है, हम बोल सकते हैं उसे सेंटर पॉइंट, और जिस पॉइंट को हम मूव करके स्प्लाइन एडिट कर सकते हैं वो हमें कर्व से साइड में, कर्व के साइड में शो हो रहे हैं। जो पहला कर्व ड्रॉ किया था हमने नॉर्मल, वो उस कर्व पे ही उसके पॉइंट है, ओके। तो यहाँ पे जो एडजस्टेबल पॉइंट है वो साइड में है, वो पॉइंट एडजस्ट करके आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कर्व का शेप हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको जैसा रिक्वायर्ड शेप चाहिए होगा वैसा आप ले सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा स्प्लाइन यूज़ होता है हमारा शीट वर्क में, जो हम कार का जो शीट वर्किंग होता है उसमें हम स्प्लाइन यूज़ कर सकते हैं। अभी लास्ट टाइप है, वो हम स्प्लाइन का देख रहे हैं इक्वेशन, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इक्वेशन हमें यहाँ पे पुट करके वो कर्व शेप ड्रॉ करना होता है, वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इलिप्स। पहले तो ये दोनों में स्प्लाइन डिलीट कर देता हूँ, ओके। तो इलिप्स, इलिप्स पैराबोला और कोनिक, कोनिक्स में ये आता है इलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला, ये थ्री। तो हम यहाँ पे पहले इलिप्स, इलिप्स भी दो टाइप के हैं, एक तो अपना नॉर्मल इलिप्स है और दूसरा पार्शियल इलिप्स। पार्शियल इलिप्स भी सेम इलिप्स ही है, सिर्फ हम उसका कुछ पार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए उसे पार्शियल इलिप्स बोलते थे। तो यहाँ पे इलिप्स का हमें सेंटर पॉइंट एक दे देना है और एंड पॉइंट दे देना है, जो मेजर एक्सिस है उसका एंड पॉइंट, माइनर एक्सिस का भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया है कैसे मैंने सेंटर पॉइंट दे दिया और एंड पॉइंट दे दिया इलिप्स का। अभी डायमेंशन देखे हम उसे एडिट कर सकते हैं। 150 का मैंने मेजर एक्सिस ले लिया, यहाँ पे आप हाफ एक्सिस का भी डायमेंशन दे सकते हैं, 75 आएगा। यहाँ पे ओवर डिफाइंड हो रहा है कुछ नहीं, हम ओके कर सकते हैं, दोनों डायमेंशन दिखाएगा, शो करेगा। यहाँ पे माइनर एक्सिस में 50 दे देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे ये अपना नॉर्मल इलिप्स हो गया। तो इस टाइप से इलिप्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इलिप्स देखते हैं, यहाँ पे पार्शियल इलिप्स। पार्शियल इलिप्स भी सेम उसी टाइप का है, हमें सेंटर पॉइंट देना है और जहाँ से हमें स्टार्ट पॉइंट चाहिए वो स्टार्ट पॉइंट हमें वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं लोअर साइड में एक स्टार्ट पॉइंट देता हूँ और एंड पॉइंट हमें वापस जिधर चाहिए वहाँ पे हमें क्लिक करना है, ओके। तो ये हो गया पार्शियल इलिप्स, उसका वो पूरा क्लोज नहीं है, उसका कुछ पार्ट ओपन है, ओके, दिस इज पार्शियल इलिप्स। वे नेक्स्ट यहाँ पे हाइपरबोला, सॉरी पैराबोला। पैराबोला में हमें एक उसका फोकस पॉइंट देना है और बाद में जो कर्व है वो शेप ड्रॉ करना है।
हम ऊपर से भी एक साइड से स्टार्ट करके पूरा कर्व निकाल सकते हैं, नहीं तो हाफ कर्व पहले ड्रॉ करके दूसरा हाफ कर्व यहाँ से वापस पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है उससे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया अपना पैराबोला। ओके, सेम ज़्यादा इसका पैराबोला हाइपरबोला, इसका ज़्यादा कॉनिक्स जो है उसका ज़्यादा यूज नहीं है हमें ड्राइंग में, कभी कभी यूज करना पड़ता है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक कॉनिक्स देख लेते हैं, कॉनिक्स भी सेम है, पहले तो हमें उसका एक पॉइंट देना है, बाद में उसका एंड पॉइंट देना है, फोकस पॉइंट और एंड पॉइंट। तो ये भी कॉनिक्स का एक कर्व शेप है। ओके, तो ये कॉनिक्स यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, हमें ज़्यादा यूज़ होता है वो कर्व जो पहले हमने देखे थ्री पॉइंट आर्क, आर्क यूज़ होते हैं कर्व के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम जाते हैं अभी स्केच फिलेट और स्केच चैम्फर। पहले वो निकालने के लिए मैं एक रफली एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल ले लेता हूँ यहाँ पे। तो अभी हमें इसके जो कॉर्नर है उसको फिलेट अप्लाई करना है। तो कैसे करना है, पहले तो हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया है, इसके जो कॉर्नर है उस पर फिलेट अप्लाई करना है। तो फिलेट मैंने कमांड यहाँ पे ले ली है और यहाँ पे हमें देना है फिलेट पैरामीटर। तो यहाँ पे हमें जो साइन भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमें रेडियस पुट करनी है। तो यहाँ पे मैंने रेडियस अभी दी है 20 mm, और यहाँ पे जो साइट को हमें चैम्पर करना है वो दो साइट हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटिटी टू फिलेट, वहाँ पे एंटिटी आप सिलेक्ट करना है आपको साइड, वो दिखाएगा कौन सा साइड यूज़ किया। यहाँ पे देखिए इस करने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे कैसे फिलेट हो गया है, तीन साइड को मैंने फिलेट कर दिया है। अभी हम जो रिमेनिंग यहाँ पे एक कॉर्नर बचा है वो कॉर्नर पे हम यहाँ पे चैम्फर देखने वाले हैं। चैम्फर दो टाइप से हम अप्लाई कर सकते हैं, एंगल डिस्टेंस और डिस्टेंस डिस्टेंस। और जो डिस्टेंस डिस्टेंस है उसमें हम इक्वल डिस्टेंस जो ऑप्शन है वो है कि दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस ही आएगा, एक ही डिस्टेंस हमें देना है। अगर हमें इक्वल डिस्टेंस नहीं चाहिए तो हम उसके ऊपर टिक नहीं करेंगे। यहाँ पे एक 15 और 10 यहाँ पे डायमेंशन दे दिए है, और हमें साइड सिर्फ चूज करना है जो फर्स्ट डायमेंशन है वो फर्स्ट जो साइड सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर अप्लाई होगा, और दूसरा जो देगा वो दूसरे साइड पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं यहाँ पे चैम्फर का जो है एंगल डिस्टेंस। यहाँ पे मैं एक डिस्टेंस दे देता हूँ फर्स्ट 10 mm और एंगल देता हूँ 45। तो ऑब्वियसली वो बोथ साइड 10 mm का ही यहाँ पे चैम्फर लेने वाला है। तो मैं यहाँ पे एंगल डिफरेंट ले लेता हूँ, 60 डिग्री कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो पहला जो लाइन सिलेक्ट करेंगे उस पे ही वो एंगल लेगा और उसका ही वो डिस्टेंस मेजर करेगा, और दूसरे साइड विथ रिस्पेक्ट टू दिस फर्स्ट साइड वो उसे एडजस्ट कर देगा कितना कट करना है, कितना चैम्पर देना है। ओके, इक्वल डिस्टेंस हम देखते हैं यहाँ पे 20 दे दिया, कौन से भी दो साइड चूज़ किए वो 20 20। यहाँ पे एक ही हमने डायमेंशन लिया लेकिन बोथ साइड को उसने वो सेम ले लिया। ओके, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।